सीतापुर के मोहाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मंगलवार को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मानसिक रूप से परेशान रोगियों के लिए एक विशाल शिविर लगाया गया, जिसमें आधा सैकड़ों से अधिक लोगों ने अपना चिकित्सीय परीक्षण कराकर दवाइयां ली। कार्यक्रम में मुन्ना जादूगर के द्वारा लोगों को मानसिक बीमारी तक था उनके लक्षणों को जादू के माध्यम से दर्शाया, जिसके चलते इस स्वास्थ्य शिविर में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। CHSE मोहाली के प्रभारी डॉक्टर इमरान ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में इस बीमारी को भूत चुड़ैल से जोड़ते हुए मरीज का इलाज तंत्र मंत्र से करवाते हैं। मेरी ऐसी लोगों से अपील है कि मानसिक रोगी को तंत्र मंत्र की बजाय चिकित्सक के पास ले जाएं। कुछ दिनों में निश्चय ही परिणाम बेहतर होंगे। इस अवसर पर CHSE मोहाली के सभी चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। जागरूकता अभियान कार्यक्रम है, ठीक है, इससे जितनी भी मानसिक रोगी हैं उनको आज CHSE मोहाली पे बुलाया गया है और सबका निशुल्क इलाज किया जा रहा है। जो गंभीर रोगी होंगे उनको जिला अस्पताल से टीम आई है, वो यहाँ पे परिचय बना के उनको देखेगी। बाद में अगर जो गंभीर होंगे तो उनको जिला अस्पताल में वो रोज़ाना दिखा सकते हैं। जो भ्रांतियाँ जगह जगह पूरे समाज में फैली हुई हैं, जैसे कि भूत चुड़ैल और इसका होता, ये सब डिप्रेशन या एंजाइटी के पेशेंट होते हैं। इन सबको दूर करने के लिए कि ये इलाज से संभव है, आदमी किसी जादू टोने के चक्कर में इसमें ना पड़े और मानसिक रोग डॉक्टर जो फिजिशियन होते हैं उनसे इलाज कराए। मेन मुद्दा उसका इसी का था कि पब्लिक को बुला के और उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाए और जो गंभीर रोगी हैं उनको जिला अस्पताल में भी देखा जाएगा उसको। और बाकी पूरी टीम CMO सामने भेजी है जिले से, उसी का ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NHM की तरफ से है, उसी का प्रचार।